अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ हमेशा कि आप सभी सलामत रहें। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सब खैरियत से रहें। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी पार्ट वन करके, मेजर गौरव आर्या साहब और ताहिर गौरा साहब की, और आज ये उसी का पार्ट टू है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है वीडियो का, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहले पार्ट वन देख लें, क्योंकि उसी से आगे आपको समझ में आएगा। जो पार्ट टू में एक बहुत ही अहम सवाल पर मैंने पार्ट वन ख़त्म किया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू है ये उस वीडियो का। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और एज यू नो द टाइटल इज़ पाकिस्तान तालिबान ऑब्सेशन डेंजरस फॉर इंडिया। सो ये इस वीडियो का टाइटल है, और अब ये उसका पार्ट टू है। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की बात शुरू हो गई है, और देख लें पहले वीडियो, उसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ, पार्ट वन ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों आप, क्योंकि फिर मसला हो जाता है। आधे लोग कहते हैं कि इसमें ये इसमें वो, और पूरी चीज़ नहीं देखते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। कि वो ऑब्सेशन की वजह बड़ी साफ है कि और बदकिस्मती से प्रोडक्टिव काम इसी वहाँ सवाल पे पर पार्ट वन हो कोई छोड़ा नहीं था। रहे। लेकिन हम भारत में भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे फैक्शंस हैं। जनरली भारत के मुसलमानों की मेजॉरिटी तालिबान को, मेरा ये ख्याल है, पसंद नहीं करती, मगर मैंने क्लब हाउस में कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनी। इवन भारत के कुछ शिया लीडर्स, जैसे कुछ क्लिप हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ अपने आप को शायर कहने वाले लोग, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तालिबान के साथ। तो ये जो कुछ फैक्शंस हैं भारत में भी तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भारतीय समाज को कितना कंसर्न होना चाहिए? देखिए सर, ये पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक पाकिस्तान प्रेम भी है इससे। क्योंकि देखिए, अगर हम मुसलमान की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, तो जो बेचारे अफगान हैं, जो भाग रहे हैं, जहाजों से गिर रहे हैं बेचारे, और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है सर, वो भी तो मुसलमान है। ये लोग जो हैं, ये मुसलमान मुसलमान में भी फर्क करते हैं, है ना सर? सही ये बात कही। मुसलमान मुसलमान में भी फर्क करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान अच्छा है, अफगान मुसलमान बुरा है, ये माइंड सेट है। क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल किबला जो है, नजरियाती किबला जो है, वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है, राइट? एंड मेनी ऑफ देम इनके फोर फादर्स थे हु आर इन्वॉल्व इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो अब ये गए नहीं वहां पे, अब यही चक्कर है ना कि अब गए नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, उनको कोई तालिबान से लेना देना, वो बिल्कुल, अपने सर अपनी दाल रोटी के ये चक्कर सही में बात बता रहा है, जमीनी नौकरी, हकीकत यही है। ठीक है, बेटी बेटे पढ़ जाएं। मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर, उनका चक्कर ही पता है, वो कभी तालिबान वालिबान के चक्कर नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा काम है कि मेरी सैलरी इतनी थी, अब मुझे वहां से कोविड के चलते सैलरी बढ़ी नहीं मेरी 1 साल से, अब मुझे वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है तो मेरी 20% सैलरी बढ़ जाएगी। उनके ये कंसर्न है जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का यह कंसर्न है कि यार मेरी बहन पढ़ाई करना चाहती है तो मैंने बैंक से लोन लिया है और वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है, उनके ये कंसर्न है। पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि सर, अगर आपको तालिबान इतना अच्छा लग रहा है तो आप थोड़े समय के घूम कर लिए आएं वहां अफगानिस्तान, पे थोड़े वक्त वक्त के गुजारिए, लिए चले जाएं। आप थोड़ा जाइए अफगानिस्तान में। तालिबान एक बार, ये जो शायर है ना मुनव्वर राणा, ये कहते हैं कि साहब बहुत तालिबान प्रेम तालिबान है ये उन्हें। तालिबान वो, और यू नो कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, जी बिल्कुल, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है, राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरी जो है वो गुनाह है, वो टांग देंगे सर। वो तालिबान है ही ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट, वो टांग देंगे इनको। इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह समझने सकते वाली हैं बात है कि दोस्तों, ये यू नो बहुत मुनव्वर गहरी राणा बात कह कह रहे सकते हैं हैं। कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत हैं, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके 2-4 शेर वहां पर भी सुना दीजिए तालिबानों को कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर मुकर्रर कहते हैं, कितनी वाह वाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेर व शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर। ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भी वही बिलीव करता हूं जो तालिबान बिलीव करता है कि पैसा मर्द को कमाना चाहिए, औरत को नहीं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि भाई मर्द और औरत बराबर हैं, जिसको जो कमाना है अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरिट के हिसाब से कमाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबरी की बात करता है, राइट?
तो मुनव्वर राणा जो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है, इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। यही मुनव्वर राणा देश के खिलाफ और तालिबान के साथ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। कुछ बोले तो अभी विक्टिम कार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, सामने रोना शुरू कर देंगे, पीड़ित हैं बहुत ज्यादा, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बेचारे दबाए जा रहे हैं, मुझे दबाया जा रहा है, मुझे कुचला जा रहा है, करोड़पति हैं ये सब, शेयर लिख लिख के इंडिया ने करोड़पति बना दिया और मजे आ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर फिर भी। तो भाई ये सब मैं तो कह रहा हूं कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको भी पसंद है, गॉड ब्लेस यू, आप एक बार जाइए तो वहां पे आप जाइए, हमें हमें भी तो लगे कि हाँ आपने कुछ करा हाँ, है, इतना मोहब्बत है तो जाए वहां जाकर देखें, प्लीज यू नो दिखाएं जाकर वहां पर तो तालिबान एंड यू नो लिव अंडर द रूल। अब 10-15 दिन एक महीना रह कर फिर हमसे बात करेंगे। मैं सब आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि जो अफगान मर रहे हैं, जो तालिबान के सपोर्टर नहीं हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। और एक बात मैं अक्सर आप लोगों से कहती रहती हूँ कि जो मर रहे हैं वो भी तो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और उनके साथ कितना जुल्म होता है। अब भी तारीख के औराक पलटें तो बहुत पीछे ना जाएं तो बांग्लादेशी मुसलमान भी तो मुसलमान हैं, जिनका मिलियंस में बेचारों का कत्लेआम किया गया, लाखों ख्वातीन को रेप किया गया, वीगर जो हैं वो भी तो मुसलमान है, जिनकी ये जो हैं भारतीय मुसलमानों के वो ग्रुप जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं वो कभी उनकी उनके हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। मुनाफ़िक़ का आला मकाम जो चार मुस्लिम कंट्री से कई सालों से मारे जा रहे हैं, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, तो आफ्टर ऑल इन चीज़ों की तरफ इनकी नज़र क्यों नहीं जाती? फायदा नहीं है वहाँ पर सर, आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है। देखिए ये सिर्फ कहने को मुसलमान है, कहने को मुसलमान है, अगर इनके पास कल आ जाए ना वीगर मुसलमान कि भाई आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाएंगे, अभी तक नहीं उठाई, आज तक नहीं उठाई, कभी नहीं उठाएंगे उसके लिए, उनके इनकी तरफ से सर वो कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आवाज उठानी है रोहिंग्या के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया में रोहिंग्या आना चाहिए, ठीक हो गया सर। ये कभी मुहाजिरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे कि पाकिस्तान में जिसका 25,000 मुहाजिरों का 10 साल में सिर्फ कराची में कत्लेआम हुआ था, कभी नहीं उठाएंगे सर, ठीक है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी पश्तूनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी मुसलमानों के लिए, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपके मन में हिंदू हेटर है, मुझे समझ में आता है कि आपके मन में हिंदू हेटर है, कोई आप हिंदुओं के लिए मत उठाइए आवाज, अब मुसलमानों के लिए तो आवाज उठाइए, आप इतने बड़े मुस्लिम बनते हैं उनके लिए भी नहीं उठाते, उसमें भी सिलेक्टिव है सर, सिलेक्टिव अप्रोच। ये मुनाफिक लोग हैं, इनको देखिए सर, इनका कोई दीन ईमान नहीं है और इनकी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है इनकी, इट इज टोटली एंड टोटली विद पाकिस्तान ये, और मुझे नहीं पता क्यों किसी फेलियर के साथ क्यों अपने आप को कोई एसोसिएट करना चाहेगा, आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर। Why would you want to associate yourself with a nation that has failed in every front? पैसे पाकिस्तान के पास नहीं सर, इकोनॉमी भी उसकी चरमरा रही है, लोन उन्होंने ले रखे हैं, ओलंपिक में इनके मेडल जीरो हैं, स्पोर्ट्स में ये लोग जीरो हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जीरो है, पूरा मुल्क गिरवी रख रखा है, सब नहीं, नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, तो कोई मुझे पॉइंट आउट करे, यही सच्चाई है। और मैं चाहता हूं अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन पर बोलें कि मैंने कहां पे झूठ बोला, कमेंट सेक्शन में बताइए आपने झूठ बोला है, फिर मैं आऊंगा एंड आई विल अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगूंगा यहाँ पे आके कि साहब हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला, आप साबित करें मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया है, पूरे मुल्क को, लेकिन ख्वाब तालिबान आएगा कश्मीर आजाद करेगा, इनको ये नहीं पता कि सर कल का खाना कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता कि कल हमारा मुल्क चलेगा कैसे, इनको ये नहीं पता कि 6 महीने के बाद अपनी फौज को तनख्वाहें कहां से, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, इनको ये नहीं पता कि अगले साल जो इनको $25-30 billion चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, वो अगला $25-30 billion कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता है, पर इनको ये पता है कि बस जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस इनको ये पता है, इसलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क। वापस हम आते हैं मेजर साहब अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ, कुछ बातें और करते हैं वहां के जो हालात हैं। मुझे ये बताइए कि नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत बड़ा वहाँ पे फोर्स का मंबा होता था, जस्ट उनकी जो फोर्स थी वो तालिबान के लिए एक रेजिस्टेंस थी। आपको लगता है कि अब जब के नई सूरत हाल बनी है, जब अफगान ने देख लिया, अफगानों की बड़ी तादाद ने देख लिया कि तालिबान तो वो कुछ करेंगे जो वो करना चाहेंगे, जो उनके प्रोटेक्टर थे वो भी उनके प्रोटेक्टर नहीं थे, अब शायद वो अपने हकूक के लिए खुद लड़ें, तो क्या नई जो फोर्सेस हैं वहाँ पे उभरेंगी? क्योंकि ये तो एक समाज में मुमकिन नहीं है कि एक ही तरह की फोर्स अपनी डिक्टेटरशिप चलाती रहे, तो जो नई फोर्सेस उभरेंगी उनमें नॉर्दर्न अलायंस का या किसी और फोर्स का कितना बड़ा अमल दखल होगा? सर काफ़ी बड़ा मुझे लगता है, डेवलप कर रहे हैं, अमरुल्ला सले पहुँच गए हैं,
पंजशीर कुछ दिन पहले, और वहां पे अहमद अहमद शाह अहमद मसूद के मसूद। साहबजादे जो हैं, अहमद मसूद, वो भी वहां पे हैं और लोग भी हैं। ये सब ये पहले के जितने अब्दुल्ला अब्दुल्ला वगैरह ये सब लोग थे पुराने, ये सब नदन अलायंस के ही लोग हैं। क्या हुआ कि नदन अलायंस इसलिए तितर बितर हो गया क्योंकि 9/11 के बाद जब अमेरिकन बॉम्बिंग हुई एयरक्राफ्ट से, तो तालिबान भाग गया सर, तो वहां पे ये लोग काबिज हो गए। बट अब तालिबान वापस आ गया, तो नदन अलायंस जो है इट इज टेकिंग शेप वंस अगेन। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है पश्तून की, पश्तून्स आर द लार्जेस्ट इन अफगानिस्तान, बट दे आर स्टिल 45%। 55% जो है सर वो और एथनिसिटीज के हैं, जिसमें हजारा भी शामिल है सर, जिसमें ताजिक उज्बेक भी शामिल है, जिसमें काफी बड़ा ताजिक भी हैं, तबका है। जिसमें कुछ चंद बलोच भी हैं। तो ये सब कम्युनिटीज वहां पे हैं, एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग यू नो वेरियस पीपल। और उसमें एक और चीज है सर, अफगान आर्मी के बहुत सारे सिपाही जो हैं वो पंजशीर पहुंच गए हैं सर, खासतौर से उनकी स्पेशल फोर्सेस के, उनकी कमांडोज के जो ट्रेंड हैं वो लोग पहुंच गए हैं, और दे आर देयर एंड दे हैव रीच देयर। एंड ये लोग जो है सर, दे सेड कि हमारे अफसरों को पैसा दे दिया और हमारे जनरलों को पैसा देके सरेंडर करवा दिया, लेकिन हम तो लड़ना चाहते थे लेकिन हमें हुक्म नहीं मिला लड़ने का। तो बेसिकली क्या है कि अब हम लोग लड़ेंगे, अब हम लोग लड़ेंगे। तो अमरुल्ला सलेह के लिए, और अमरुल्ला सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसका सदर डिक्लेयर कर दिया है, और तजाकिस्तान ने अशरफ गनी की फोटोग्राफ हटाई और अमरुल्ला सलेह की फोटो वहां पर रख दी। तो ये ताजिकिस्तान रीजन तो जो है फुल बहुत सपोर्ट फास्ट में चेंज है, हो रहा है सर, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट फुल कर रहे बड़ी हैं। आपने अहम बात की कि ये कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है जो तालिबान का काबुल पे कब्जा है, ये असल में बिल्कुल गेम की शुरुआत है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि तालिबान के चैलेंजेस भी बहुत हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, वो कह तो रहे हैं बहुत सारी मीठी मीठी बातें, कथनी लेकिन और करनी में प्रैक्टिकली ऑन काफी ग्राउंड अंतर। पे वो नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली दूसरी फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होंगी और इमर्ज होंगी। और आपने जैसा कि कहा कि अमरुल्ला साले जो हैं वो अब एक नए लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और चलिए वो अगर ना भी बहुत पायदार हुए तो ये तो मुमकिन नहीं है कि तालिबान को रेजिस्टेंस ना मिले। तो तालिबान को दुनिया में कितना तस्लीम किया जाएगा आने वाले दिनों में? सर मुझे नहीं लगता कि दुनिया तस्लीम करने के मूड में है तालिबान को, लेकिन ऐसे कई मुल्क हैं, दो किस्म के मुल्क हैं तस्लीम करेंगे सर, जो अफगानिस्तान में अपनी स्टेक्स चाहते हैं। ये पंट है सर, इट्स अ बेटिंग गेम, कौन से घोड़े पे कौन पैसा लगा रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो इसलिए तस्लीम करेंगे क्योंकि चीन ने उनको पैसे दे रखे हैं, अब ये डिपेंड करता है, चीन भी देखेगा इनका बिहेवियर तालिबान का, क्योंकि चीन ऐसे नहीं करेगा कि 10 लोगों को फोन करके बोल दिया कि तुम तस्लीम करो अफगानिस्तान को, और पता लगा कल की 25-30 मुल्कों ने तस्लीम कर दिया। चीन भी ये देखेगा कि इनकी कारकर्दगी कैसी है, इनके कॉल ऑफ फेल में फर्क तो नहीं है, जो क्योंकि दे ऑल्सो रियलाइज चाइना इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, चाइना विल नेवर पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान सर। चाइना अपने फौजी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये असेसमेंट है सर, मेरा ये तर्जिया है कि चाइना कभी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेगा अफगानिस्तान में, चाइना चेक लिखा गया, क्योंकि उनको पता है। और चाइना ऐसे ही मुल्क में आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पे करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप होती है सर, और जहां पे चाइना मन मर्जी के दामों पे लोन दे सकता है। तो चाइना ने इनको रिकॉग्नाइज करा है, अब चाइना देगा तालिबान को लोन, चाइना पैसे नहीं देगा सर, वैसे ऐसे ही तो गिफ्ट नहीं डेट देगा जैसे करता है अमेरिकन वो। देते हैं। अमेरिकन ने तो अफगान सरकार को दिया ही है पैसा, कुछ मांगा थोड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिया, अमेरिका ने तो कुछ नहीं बोला कि हम तुमसे वापस लेंगे। चाइनीज ऐसे नहीं है सर, चाइनीज बोलेंगे ठीक है तुम्हें 30 बिलियन डॉलर चाहिए ना, लो 30 बिलियन, कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 बिलियन का लेकिन तुम सांस हमारे हिसाब से लोगे, और तुम कल तक जो सांस ले रहे थे ना, वो हर सांस में तुम शी जिनपिंग बोलोगे, और हर सांस में तुम चाइना जिंदाबाद बोलोगे। ये चाइना विल इंश्योर दैट दे विल इंश्योर कंप्लीट, जैसे पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान का कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, हर एक जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां के मोटरवेज, वहां पे पाकिस्तान रेडियो, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पूरे जहाज, पूरे उनके असासे एसेट्स, सबके सब तो गिरवी रखवा लिए ना, जब सबके सब गिरवी रखवा लिए, सब कुछ पैसा पाकिस्तान दिया में गिरवी उसके रख अवज में, चुके हैं। उन्होंने गिरवी रखवा लिए। अबे काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा सर, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा, वो पैसा देंगे बिल्कुल, चाइनीज मना नहीं करेंगे पैसा देने के लिए, और इनकी मजबूरी है भाई, आप इक्तदार में आ गए, आपको इक्तदार की हवस थी, आप काबुल पे चढ़ दौड़े, संभालो संभालो, देखते हैं कितना संभालते हो, संभालो। क्योंकि सर ऐसा देखिए, आपने नदन अलायंस की जो बात करी ना ताहिर साहब, वो एक सच्चाई है, जो अब अफगान झंडा लेके खड़े हो रहे हैं अफगानिस्तान का, वो भी एक सच्चाई है, लेकिन जब ये सब चीजें, वो ऐसे ना, जब नई नई शादी होती है
तो एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ आपको हिट करती है ना, कि जैसे लोन के पैसे देने हैं, ईएमआई जानी है ना, मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे जाने हैं, ये सब जिंदगी की सच्चाइयां हैं सर, विच तालिबान इफ देखिए चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब अगर चाइना की नजरों में तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अब अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो फिर उनको ये करना पड़ेगा कि देन इनको जो पब्लिक वर्क्स हैं वो भी रन करने पड़ेंगे, इनको टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा सर, जो कर है जो कर वसूलेंगे या टैक्स लेंगे वो भी इनको लेना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी, इनको कॉलेजेस भी चलाने पड़ेंगे, इनको इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ अफगानिस्तान या स्टेट बैंक जो भी इनका है अफगानिस्तान में, ये सब इनको करना पड़ेगा, इनको सब करना पड़ेगा सर, पाकिस्तान खुद नहीं उठाता, टर्किश कंपनीज को उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, 75 साल आजादी के हो गए पर लेकिन अभी भी अब बनने के हो गए, आजादी हमारी थी, पाकिस्तान तो क्रिएट हुआ था, 75 साल हो गए, आज भी उन्होंने टर्किश कंपनीज को कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो वही अफगानिस्तान में भी होगा सर, बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड कैपेसिटी, और जो भी पुरानी रेजिम कहते हैं उनको तो मार डाला, या फिर मार डालेंगे या फिर उनको भगा देंगे, उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, यही चीज है। तो वही बात जो मैं अभी पीछे कह रहा था कि अभी तो गेम शुरू हुई है, लोगों का ये ख्याल है कि तालिबान के कब्जे से एंड ऑफ द गेम हो गई है, नहीं, इनफैक्ट वो एक मुनीर नियाजी का खूबसूरत शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो अब वो एक और दरिया का बल्कि ज़्यादा बड़ा दरिया है अब जिसको पार्ट करना है, मालूम नहीं पार्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान की सरकार, अव्वल तो वो पूरी की पूरी बनेगी नहीं, एक मिली जुली सरकार अभी भी जो बनेगी, मिली जुली सरकार तो बनेगी जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े माहिरीन होंगे, लेकिन ये सिलसिला तो पहले दिन से ही डामाडोल और मुझे तो डोलता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कैसे लग रहा है? नहीं सर, ये पाकिस्तान को अक्सर ये लगता है कि जो ये पूरा पाकिस्तानियों को लगता है कि जिंदगी इज अ 20-20 मैच सर, T20 होता है ना, उनको वो लगता है, एक्चुअली लाइफ इज अ टेस्ट मैच सर, धूप में खड़ा होके पूरा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है पाकिस्तान, तब जाके हो सकता है कि मैच का कुछ सोल्यूशन निकले, कोई रिजल्ट निकले ना निकले, नोबडी नोज। तो ये तो सिर्फ एक साइड ने बैटिंग करी है, अभी तालिबान ने बैटिंग करी है सर, तालिबान काबुल में पहुंच गया, एक बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने 300 का स्कोर खड़ा कर दिया, 400 का स्कोर खड़ा कर दिया स्कोर बोर्ड, अब दूसरी साइड की बैटिंग शुरू होगी। देखिए सर, ना तजाकिस्तान चुप बैठेगा, ना अमेरिका चुप बैठेगा, ना भारत चुप बैठेगा, ठीक है सर, अगर किसी को लगता है, और ये जो पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं ना कि भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब गई, इन्वेस्टमेंट थी नहीं सर, वो तो डे वन से वन वे था, हमने तो कुछ मांगा नहीं, मैं तो खुला बोल चुका हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई डॉक्यूमेंट डाल दे तो मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा उससे कि भाई इंडिया ने बोला था कि तुम हमें इतना वापस दोगे, हमने कोई कमाना नहीं है उसमें, हमने कुछ कमाना नहीं दिया, फ्रेंडली जस्टिस था, कर दिया उनके लिए, कभी भारत ने तगादा नहीं किया, कभी नहीं बोला कि हमें इसमें प्रॉफिट कमाना जैसे चीन ने पाकिस्तान में कमाया, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यूफोरिया, जो पाकिस्तान में सडन यूफोरिया होता है सर, ये बहुत जल्दी लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, यू नो सेलिब्रेट करना, और अब तो जीत गए, यू नो ये टिपिकल पाकिस्तानी टेंडेंसी है कि अब तो जीत गए, अब तो काम हो गया, फिर बाद में मायूस हो जाते हैं, फिर क्या हुआ, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सर, हर चीज में प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट कर लेते हैं कि जल्दी से एक मिनट पहले, हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं ना कि एक बर्थडे, एक हम लोग मानते हैं इंडिया में कि बर्थडे, कोई कहता है यार मैं बर्थडे के दिन यहाँ पे हूँ नहीं तो पहले सेलिब्रेट कर लो, लोग मना कर देते हैं, इट्स बैड लक, कहते नहीं एक बार बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पहले मत करो, डोंट टेम्प्ट फेट, इसको कहते हैं ना डोंट टेम्प्ट फेट, तो पाकिस्तानी इज लव टू टेम्प्ट फेट, इसलिए जलील होते हैं सर ज्यादा, तो ये कहानी है मेरे हिसाब से कड़वा सच। आखिर में मेजर साहब, जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जो हमने बातचीत की, इस सारी को अगर आप सम अप करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे? देखिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी गेम शुरू हुआ है अफगानिस्तान में, और बहुत मुझे बुरा लग रहा है वर्ड गेम यूज करते हुए, क्योंकि वहां पे लाखों अफगानों की जिंदगी का सवाल है और मैं एक वर्ड गेम यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए वर्ड यूज गेम कर रहा हूँ, लोग तो ये तक कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ग्रेट गेम, 100-150 साल देखा मैंने ट्विटर पे, कभी रशिया आ जाता है, कभी इंग्लैंड आ जाता है यहाँ पे, तो रशिया वॉज नॉट द फर्स्ट सुपर पावर, एक जमाने में इंग्लैंड सुपर पावर था, वो आ गया था सर, तो ये सब है। महाराजा रंजीत सिंह वहां पे जो लोग कहते हैं सर, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को किसी ने नहीं हराया सर, अफगानिस्तान कभी किसी के सामने झुका है, ऐसी बात नहीं है सर, महाराजा रंजीत सिंह मैम जो वहां के लोकल थे सर, जो उस जमाने के तालिबानी थे, तालिबान तो बना नहीं था उस जमाने में,
लेकिन जो उस जमाने के तालिबानी थे सर, मार मार के तुम्बा बना दिया था महाराजा रंजीत सिंह की फौजा ने, एंड दे रूल्ड फ्रॉम काबुल। अफगानिस्तान वॉज पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर सर, सिखों ने बिल्कुल हवा टाइट कर रखी थी वहां पे। लेकिन अब बात यह है कि वक्त का पहिया चलता है, तो मेरा कहने का बात है कि आगे चल के भी यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स आ रहे हैं, अभी नोबडी नोस। अभी हम लोग भी बड़ी मीडिया वाले भी हम बड़ी नजर बना के देखें, लेकिन मेरा एनालिसिस ये सर, मेरा तर्जिया ये है कि अभी हम इसको जज ना करें सिचुएशन को। आप 6 महीने 1 साल आपको दिखेगा अलग अलग चीजें होते हुए सर, अलग अलग चीजें होते हुए। अभी चाइना को भी सरप्राइज मिलेगा, हो सकता है चाइना ने ऐसी हड्डी मुंह में डाल दी हो सर, जो ना उगले बने चाहे निगले बने चाइना को सर, ये भी हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान में हो सकता है, क्योंकि इट्स एंडलेस पिट। हम लोगों ने अफगान आर्मी ट्रेन करी सर, इंडिया ने अफगान आर्मी ट्रेन करी, अमेरिका ने अफगान आर्मी ट्रेन करी। अब मैं तार साहब आपको बताता हूँ ना, हम लोग हथियार दे सकते हैं, हम लोग हथियार चलाना सिखा सकते हैं, जज्बा हम थोड़ा ना डाल सकते हैं। अगर अगर आप बताइए कि अगर मैं ही हूँ अफगान आर्मी में, और मुझे बोला है कि ठीक है तुम्हारी बेहतरीन ट्रेनिंग है, बेहतरीन हथियार है तुम्हारे पास, और तुमने इंडिया या अमेरिका में तुमने ट्रेनिंग करी, इंडियन या अमेरिकन में तुमने ट्रेन कराए, सामने जो सामने वाला आता है तुम्हें देता है 2 लाख रुपए और तुम कहते हो ठीक है चलो यार मुझे लड़ना ही नहीं, तो इसमें ना इंडिया की गलती है ना अमेरिका की गलती है। अगर किसी को अपना ईमान बेचना है तो सर उसमें आई मीन व्हाट कैन एनीबॉडी डू, व्हाट कैन एनीबॉडी से, ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो लोग पैसा लेके गए, अशरफ गनी भी पैसा लेके गया सर, उनका जो मार्शल है मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, भला आदमी, वो भी पैसा लेकर गया, सब लोग पैसा लेकर गए, करप्शन भी एक बहुत बड़ी वजह रहा है अफगानिस्तान की आज की हालत का, हेलीकॉप्टर लेके और आम अफगान को मरने के लिए छोड़ गए तालिबान के अंडर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब। जब आप और मैं कहते हैं कि अभी गेम शुरू हुई है, तो हम वो इसको सिम्बॉलिकली कहते हैं, चूंकि बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स में यही एक रोल वर्ड है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद आपका कि आज आपने हमें फिर वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, और उन्होंने खुलकर मेजर गौरव आर्या साहब और ताहिर गौरव साहब, और आपने काफ़ी अंदाज़ा लगाया होगा इनकी बातचीत से, आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे आने वाले समय के लिए सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। और रही भारत की भी बात यहाँ पर आई बीच में, जिस सवाल पे मैंने पार्ट वन को छोड़ा था, उस सवाल से ही पार्ट टू को शुरू किया है, और इसमें यहाँ भारत का जो तालिबान प्रेम है, भारत में कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसी हस्तियाँ, मैं आम लोगों को नहीं कहूँगी क्योंकि आम जनता को, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है कि क्या अमेरिका का रोल रहा, क्या पाकिस्तान का, क्या चाइना का चल रहा है, चल क्या रही है वहाँ पर। तो उनको ये पता है कि तालिबान आतंकवादी संगठन, और इस तरह से वहाँ पर मारताड़ हो रही है, और बहुत एक एक इस तरह का एक जहन बना हुआ है। मैं ज़मीनी हकीकत बता रही हूँ जितना मुझे अंदाज़ा बात करके लगा, लेकिन सच यही है कि जो इस मुल्क के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है ना, अपने आप को जो कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, शायर कह लें, पॉलिटिशियन कह लें, कुछ भी कह लें आप उन्हें, वो कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे अपने आप को जो कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो उनका तालिबान प्रेम है, दरअसल कहते हैं ना कि इल्म से जाहिल की जहालत नहीं जाती, अदब ही ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है। अब इल्म तो बहुत हासिल कर लिया, लेकिन जहालत, अगर ये कहा जाए कि आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तालिबान को सपोर्ट करके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है किसी ऐसे आतंकी संगठन को आप सपोर्ट करें जो कि बिल्कुल इंसानी हकूक, इंसान की ज़िंदगी, उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती, और तालिबान का क्रूर चेहरा किसको नहीं मालूम। तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कुछ जहरीले सांप इस तरह के, तो ये तो अपनी इज्जत खुद ही खो चुके हैं, और काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि जो हमारे मुल्क का जो ऐसा तबका है जो एक आम मुस्लिम है भारत का, उन्हें इन पढ़े लिखे, इन महान, जो जिनकी रोटी दाल रोटी ही इससे चल, दाल रोटी तो नहीं कहेंगे, खैर अच्छा खासा पैसा बनाते हैं ये आपस में लड़वा कर और ब्रेन वॉश कर इस तरह से, एक मज़हब की अफीम यहाँ पर भी चटाने वाले बहुत हैं, तो इनकी बातों में हमारे देश का आम मुस्लिम बिल्कुल इनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो देखें ये तो इनका तो काम बन रहा है, इनका तो आराम से चल रहा है, अच्छा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर रही है, बोलने की भी खूब आज़ादी है, लेकिन एक आम मुस्लिम भारत का जो है उन्हें इनकी बातों में अपने आप को इंडल्ज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोचें आप ये क्या कह रहे हैं, और एक्चुअली हमारा, हम जिस देश में हैं तो यहाँ तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबानी सोच, तालिबान की मानसिकता, तालिबानी जो काबिज़ होना अफगानिस्तान में, उसको सपोर्ट करके हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम फिर तो कोई दीन ईमान ही नहीं है ना, जब वहाँ तो वो मुसलमान को ही मार रहे हैं, सभी का निकल के भाग रहे हैं सभी लोग। तो ये है कि आम मुस्लिम जो है वो इस तरह के
जो इस तरह के अपने आप को जो हस्तियां हैं हमारे देश में और बहुत बहकाने और उलझाने का काम कर रही हैं आम जन को, खास करके आम मुस्लिम को, तो वो उनकी बातों में ना इनके लिए, तो मैं यही कहूँगी। रही बात पाकिस्तान की, तो गौरव आर्या साहब की एक बहुत बहुत अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती से एक आम जबान में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कोशिश मैं करती हूँ कि आपको ये बात समझाऊँ कि एक्चुअली एक आम, जब हमारा कोई भी आम जन हमारा चैनल देखे तो उसको बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जियो पॉलिटिक्स होती है, ये बहुत ही उलझी हुई, बहुत ही इसमें इतनी इतनी डिप्लोमेसी, इतनी स्ट्रेटेजी, ये सब होता है, तो उसको एक आम इंसान तक पहुँचाना ये एक बहुत बड़ी खूबी मैं समझती हूँ। और मेजर गौरव आर्या साहब के अंदर ये खूबी है कि बहुत ही आसानी से वो बता देते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड भी उन्होंने क्लियर कर दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, और हमेशा से मैंने ये बात भी कही है, कि पाकिस्तान एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। उनको एग्जैक्टली आज तक नहीं मालूम हुआ कि वो हैं कौन। अभी वो नए नए तालिबानी बने हुए हैं, सोच से, हरकतों से, और ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टाइप ट्रेंड चलाते हैं ट्विटर पर, क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। अफगानिस्तान में लोग इधर उधर जा रहे हैं और ये जो दिखा रहे हैं ना, कि इनको ज़रा अफसोस भी नहीं हो रहा, और ये दिखा रहे हैं कि देखो तालिबानी गवर्नमेंट हमारी बहुत ही चहेती है। तो आगे जाकर आप देखिएगा, जो अभी अफगानिस्तान का प्रेजेंट है, अगर नहीं सुधार आता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का फ्यूचर वही होने वाला है जो अफगानिस्तान का प्रेजेंट है। जो वहाँ अभी वर्तमान स्थिति है, वो इनकी भविष्य स्थिति होने वाली है। और अभी तो देखिए अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है खुरासान वर्सेस तालिबान, तो एक बहुत सारे ग्रुप्स हों गवर्नमेंट में, ऐसा आगे आने वाली समय में ऐसी संभावना लगती है। बाकी ये है कि देखते हैं। और भारत जो है वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे काम कर रहा है, जो कि मैं समझती हूँ ठीक भी है, एकदम से फैसला नहीं लिया जा सकता। अभी देखा जा रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम बदल रहा है। तो खैर दोस्तों, ये वीडियो थी मेजर गौरव आर्या साहब और ताहिर गौरा साहब की। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इनके टैग टीवी पर आप जा सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, पार्ट वन ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है, और अगर देख लिया है तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसमें मेरा रिएक्शन कैसा लगा। अपना और अपने इस प्यारे मुल्क का ख्याल रखें मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।